students, welcome to Graduate Guru and welcome to the new session of Business Economics. In the last session, if you all remember, we started with new agricultural policy, NAP 2000, which was introduced in 2000. We saw some of the objectives of new agriculture policy. We also saw some of the features. Now we're going to start with a new topic, that is agricultural pricing. Okay? Now, basically, India mein jo farmers crop grow karte hain, whoever farmer, जो भी फार्मर क्रॉप ग्रो करते हैं बेसिकली व्हाट दे डू इज दे सेल द क्रॉप. ठीक है, वो क्रॉप ग्रो करते हैं और एंड दे अर्न द इनकम. ठीक है, नाउ दिस इज द बेसिक. ठीक है, अब बेसिक इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, ये जो इनकम फार्मर्स आर अर्निंग, व्हाट एवर इनकम द फार्मर्स आर अर्निंग, इट इज वेरी लो. ठीक है, वी विल सी क्या रीजन है वो लो प्राइसेस का, लो इनकम का. नाउ बेसिकली as an Indian government or as a country, we need to make sure that this income rises, because farmers ka jo income hai wo totally dependent kis pe hai, whatever crops they grow and whatever crops they sell, usse jo bhi income aata hai, that is the only income that they are dependent on. So agar ye income kam rahega, kam hoga, so basically farmers would be in distress. That is the reason India mein farmers suicide is on increase. Basically a lot of farmers are committing suicide because they are debt under the debt of the landlords or the banks, because they take a lot of loans and debt from banks, financial institution to grow the crops, and jab wo crops achhe prices mein nahi sell ho pata, that is the reason basically farmer suicide bhi ho raha hai. So that is the reason our country needs a effective agricultural pricing. Now when we say pricing here, we are dealing with two things. We are dealing with not only one, that is pricing one, that is we'll call it as P1, is basically the cost that the government pays to the farmers. Theek hai? फार्मर्स जो क्रॉप सेल करते हैं वो जो प्राइस इनकम हम जो गवर्नमेंट उसे देता है, दैट इज फर्स्ट प्राइसिंग. ठीक है, एंड देन वी ऑल्सो है P2, द प्राइस, और वी कैन राइट द सेलिंग प्राइस एट विच गवर्नमेंट सेल्स द गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स या क्रॉप, जो भी हम बोले एग्रीकल्चर क्रॉप टू द रिटेलर, बेसिकली विल राइट द कंज्यूमर. नाउ फॉर द गवर्नमेंट दिस इज वेरी कैची, दिस इज वेरी ट्रिकी, बिकॉज कॉस्ट जो हम फार्मर को पे करेंगे, फार्मर क्रॉप ग्रो कर रहा है तो फार्मर को हम जो प्राइस पे करेंगे दैट हैज टू बी हाई. हाई मतलब एटलीस्ट रीजनेबल, सो दैट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू दैट इनकम. बट जो प्राइस पे गवर्नमेंट बेचेगा, बेचेगा, दैट कैन नॉट बी हाई, बिकॉज उस गवर्नमेंट को तो कंज्यूमर का भी ख्याल रखना है. दे हैव टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर. देर आर मेनी कंज्यूमर इन आर कंट्री जिसका इनकम इज नॉट वेरी हाई. दोज पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ऑल दिस गुड्स, जो नीडफुल कमोडिटीज है, जैसे राइस, ग्रेन्स हो गया, बेसिकली पल्सिस हो गया, शुगर हो गया, ये सब जो कमोडिटीज है, जो नेसेसरी कमोडिटीज है, अगर गवर्नमेंट हाई प्राइस पे बेचेगा तो जो पुअर पीपल है, जो अंडर पॉवर्टी है या फिर लोअर मिडिल क्लास है, वो खरीद नहीं पाएगा. एंड दैट इज द रीजन द सेलिंग प्राइस हैज टू बी लो. मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, सपोज से पर केजी फार्मर को 10 रुपीज पे करेगा. अगर सपोज से एक कमोडिटी है जिसके पीछे गवर्नमेंट 10 रुपीज पर केजी पे कर रहा है फार्मर को, उसी जगह पे द प्राइस एट विच इट विल सेल शुड बी 7 to 8 रुपीज पर केजी. व्हाई? बिकॉज अगर वो 10 से 12 रुपए 12 रुपीज पे बेचता है, 13 रुपीज पे बेचता है, दैट मीन्स द कमोडिटीज प्राइस आर राइजिंग एंड द लोअर मिडिल क्लास एंड द पुअर क्लास पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट. ठीक है, सो दिस इज वॉट प्राइसिंग इज. Government has to maintain both the prices, the price at which it pays the farmer, the price which it pays the farmer basically, and the price at which it sells the crop or the goods to the
consumers. Are we clear with the pricing? So in this chapter, we're going to understand the features of agriculture pricing in India. We're also going to see what is the need of agriculture pricing policy. We're going to see price policies. क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एंड उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइसिंग पॉलिसी और द प्राइसेस. ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस इन इंडिया गाइस. नाउ फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स, ग्रेन्स बेसिकली क्या प्राइस मिलता है, क्यों वो प्राइस मिलता है, whether the prices are low, whether the prices are high, we're going to see here. So first is non-remunerative prices. Basically, what do you mean by non-remunerative prices? Matlab, maine agar kuch goods produce kiya, suppose say if I'm producing, main ye marker produce kar raha hu, aur mujhe is marker ko produce karne ke liye total cost is around 12 to 15 rupees. Theek hai? Now, agar mujhe, if I tell you, basically, एक normal अगर standard में लो, तो minimum 20% profit होना चाहिए. Like अगर मैं 15 rupees में ये marker बना रहा हूँ, तो मुझे at least 18 to 19 rupees में ये बिकना चाहिए, ताकि मेरा जो मैंने जो खर्चा किया, मैंने जो मेहनत किया इस crop, इसको बनाने के पीछे, वो success हो. अभी अगर मैंने ये मार्कर बनाया 15 रुपीज में और मैंने इसको 15.5 रुपीज में बेचा, मुझे कुछ फायदा, 50 पैसा प्रॉफिट हुआ, 50 पैसे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू earn, with that I'm not able to, I will not be able to earn my livelihood. वैसे ही इंडिया में जो फार्मर्स को प्राइस मिलता है क्रॉप्स का, दैट इज नॉन रेम्यूनरेटिव. मतलब अगर मैं बोलू एक क्रॉप ग्रो करने के लिए, बेसिकली अगर मैं बोलू 10 रुपीज पर केजी का खर्चा आया, ठीक है, एवरेज, ठीक है. सो बेसिकली इफ आई टेल यू, अगर उसके सामने उसको 15 रुपीज पर केजी या 20 रुपीज पर केजी नहीं मिलेगा, मतलब क्या है, इतना मेहनत एक फार्मर को अगर एक क्रॉप ग्रो करना है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 4 to 5 months. इट इज नॉट लाइक कि आज सोइंग किया और कल हार्वेस्टिंग कर दिया, परसों हमारे पास क्रॉप्स आ गया. नो, इट टेक्स 4 to 5 months, 6 months, 7 months टू ग्रो अ क्रॉप. तो वो एक फार्मर 6 से 7 महीना अपना ब्लड, अपना स्वेट, पूरा मेहनत करके पूरा वो क्रॉप ग्रो करता है और उसके सामने उसको पेनी मिलता है. इट्स दे डोंट इवन गेट अ पेनी, दे डोंट इवन गेट प्रॉपर प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स. Definitely that is bad, right? So non-remunerative prices is what the farmers get in India. Role of supply in agriculture price. Now, India, this is a very important point, guys. Now, basically any price of any commodity is determined by two things. Ya to demand, ya to supply. Two things. Koi bhi price, koi bhi commodity ka price, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय ओनली टू थिंग्स, डिमांड या सप्लाई. ज्यादा डिमांड रहेगा मार्केट में तो प्राइस का भाव, कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड नहीं है तो कमोडिटी का प्राइस कम होगा. इन केस ऑफ एग्रीकल्चर द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई. द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. Now, what do you mean by this? मतलब सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. अगर सपोज से इफ आई टेल यू, बेसिकली इफ देयर इज अ सीजन विद अ गुड हार्वेस्टिंग, देयर इज अ सीजन विद अ गुड हार्वेस्टिंग. गुड हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप्स अच्छा खासा ग्रो हुआ है, अबंडेंस में ग्रो हुआ है. और आई कैन से बैड हार्वेस्टिंग, मतलब क्रॉप्स नहीं आए सीजनल, सीजन में वो जो क्रॉप ग्रो होना होता है उतना नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है. सिंपल, अगर सपोज से मैंगोस का मेरा ये है, अगर मैं मैंगोस ग्रो करता हूं, किसी सीजन में, कोई एक सीजन में मैंगोस बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, किसी सीजन में मैंगोस नहीं, सो दैट नहीं ग्रो होते इतना. सो दैट इज माय गुड हार्वेस्टिंग एंड बैड हार्वेस्टिंग. नाउ सिंपल है, आप खुद सोचो, गुड हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्राइस बढ़ेगा या बैड हार्वेस्टिंग के टाइम पे बढ़ेगा. नाउ कॉमन लॉजिक लगाएंगे हम, बोलेंगे सर ज्यादा ग्रो हुआ है तो ज्यादा मार्केट में प्राइस होगा. नहीं, दैट इज वाई वी रोट, price is not determined by the demand, it is determined by the supply. In agriculture, for agriculture commodity, the price is not determined by demand, price is determined by the supply. Ab simple hai, the more the supply, market mein bahut log zyada supply, jaise suppose se aise bahut bar aap log ne bhi dekha hoga, onions
किसी किसी सीजन में 10-15 rupees पर केजी, 20 rupees पर केजी, 25 rupees पर केजी भी मिलता है, बट ऐसा भी सीजन आता है जब ऑनियंस का प्राइस गोज अप टू 50 rupees, 60 rupees, 80 rupees, 100 rupees. क्यों? Why does that happen? मतलब अगर मार्केट में ऑनियंस बहुत ज्यादा ग्रो, अगर ऑनियंस बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, अच्छा हार्वेस्टिंग हुआ है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा ऑनियंस आएंगे. जब ज्यादा ऑनियंस आएगा मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई आ रहा है, तो पीपल, लोग क्या बोलेंगे, यार सामने वाला मुझे 12 rupees पर केजी में दे रहा है तो तू मुझे 10 rupees पर केजी में दे. अब मुझे वो 10 rupees पर केजी में देना पड़ेगा. Why? Because सामने वाला 12 rupees में दे रहा है, मैं 10 में दे रहा हूं, किसी और को 9 में देना पड़ेगा, तो क्या होगा, प्राइस कम होगा गुड हार्वेस्टिंग में. Wherein, जब बैड हार्वेस्टिंग होता है, जब क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई कम हो रहा है मार्केट में, उस टाइम पे प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा. Why? Because मेरे पास माल है, इसके पास माल नहीं है, तो मैं जो प्राइस बोलूंगा वो आपको देना पड़ेगा. सो दैट इज गुड हार्वेस्टिंग एंड बैड हार्वेस्टिंग. प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई. रोल ऑफ सप्लाई इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी इंडिया में बेसिकली जो एग्रीकल्चर है, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. बेसिकली इंडिया में सीजनल फ्लक्चुएशन होता है, कभी बहुत सारा ग्रो होता है, कभी कुछ ग्रो नहीं होता है. सो सीजन के हिसाब से भी देर आर ऑलवेज अनसर्टेनिटी. अगर सपोज से कोई सीजन में ज्यादा ग्रो हो रहा है तो उसको प्राइस ज्यादा मिलेगा, बट कोई सीजन में अगर प्राइस नहीं है तो सॉरी कोई सीजन में अगर ग्रोथ नहीं है, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहे, तो प्राइस कम मिलेगा. तो अनसर्टेनिटी ओवर द प्राइस. देन यू हैव डिस्ट्रेस सेल. नाउ व्हाट यू मीन बाय डिस्ट्रेस सेल गाइस? नाउ सपोज से आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर एक फार्मर है, जनरली उसका इनकम लो होता है, राइट? ही इज बेसिकली वो जो क्रॉप्स ग्रो करेगा उससे जो पैसा मिलेगा उसको पूरा अब साल चलाना है, प्लस उसने वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लोन लिया था. ऑलरेडी ही बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, उसके पास पैसे है नहीं, ठीक है. सो जब वो क्रॉप्स ग्रो होता है एंड व्हेन ही वांट्स टू सेल इट, सो अगर सपोज से एक मिडिल मैन आता है या एक वेंडर आता है, बोलता है मुझे, मैं आपको 10 rupees प्राइस देने को रेडी हूं पर केजी. अब वो फार्मर को शायद पता है ये मैं और एक महीना या दो महीना होल्ड करूंगा तो शायद मुझे 12 rupees पर केजी मिले, 13 rupees पर केजी मिले, राइट? बट द प्रॉब्लम इज फार्मर डज नॉट हैव द होल्डिंग कैपेसिटी. दे डू नॉट हैव द होल्डिंग कैपेसिटी कि भाई मैं 2 महीना स्टॉक करके रखू ताकि मुझे अगले 2 महीने बाद 3 rupees पर केजी ज्यादा मिलेगा. दे डू नॉट हैव दैट होल्डिंग कैपेसिटी एंड दैट इज द रीजन मजबूरी में आके द फार्मर हैज टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस. दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस सेल. आर वी क्लियर? समझ गया? देन यू हैव मिडल मैन. ये आई डू नॉट थिंक सो, आई नीड टू एक्सप्लेन इट. These are the people basically जो exploit करते हैं farmers को. The farmers in India basically belong to the illiterate group. उनके पास उतना knowledge नहीं है, illiterate है, उन्हें नहीं पता proper scheme. So basically यहाँ पर अगर आप देखोगे incomplete information. The farmers are illiterate. They are not aware about the schemes of government. Government बोलता है minimum selling price इतना होना चाहिए. They do not know it. So उस time पे middlemen आते हैं जहां पर government आपको 15 rupees पर केजी देने को ready है, ये लोग आपसे आपको 5 rupees पर केजी देते हैं. उन लोग क्या बोलते हैं, मार्केट में डिमांड नहीं है, ये है वो है, आपका नहीं बिकेगा, आपका सेल नहीं होगा, 5 rupees पर केजी पे लेके मार्केट में जाके 15 rupees पर केजी पे बेच देते हैं. सो अल्टीमेटली क्रॉप्स किसने ग्रो किया? फार्मर ने. एंड पैसा किसको मिल रहा है, कमा कौन रहा है? मिडलमैन. सो बेसिकली मिडलमैन हैव एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स फ्रॉम डेकेड्स एंड डेकेड्स नाउ. एंड देन यू ऑल्सो हैव पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर मार्केट इंफॉर्मेशन फार्मर्स के पास ना होने की वजह से प्राइसेस इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन, जो प्राइस फार्मर को मिलता है वो हमेशा लो रहता है, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स और द कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस इन इंडिया. चलो गाइज, नोट इट डाउन. सो नाउ लेट अस सी द नीड फॉर एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी. Government comes up with agriculture pricing policies. There's something called as minimum selling price MSP, which has to be adjusted or renewed every year basically. Okay, so government comes up with MSP every year. So we'll see why is there a need for agriculture policy. Basically, through agricultural pricing policy, government does two things. It aims to determine two prices. Do price determine karta hai. First is procurement price and second is issue price. Now, what do you mean by procurement price?
टू प्रोवाइड. सो बेसिकली प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, जो गवर्नमेंट पे करता है फार्मर्स को टू प्रोक्योर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स. फार्मर ने क्रॉप्स ग्रो किया, फार्मर किसको बेचेगा, गवर्नमेंट को बेचेगा. सो दैट इज गवर्नमेंट जो प्राइस पे करेगा टू प्रोक्योर दैट गुड्स फ्रॉम फार्मर्स इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट प्राइस. ठीक है. नाउ गवर्नमेंट क्यों करता है, गवर्नमेंट क्यों बाय करता है डायरेक्टली, why does a private company not buy the goods from agriculture, because government wants to provide better income to farmers. Private companies क्या करेगा, for profit है तो वो ज्यादा profit कमाने के चक्कर में, जो हमने अभी देखा था middleman basically वो farmers को exploit करता है, कम price में goods buy करता है and market में जाके higher price में बेचता है. So that is why government directly buys from the farmers at a, to provide better income to farmers. And then you also have issue price मतलब क्या, अभी हमने देखा जो प्राइस गवर्नमेंट बाय करेगा सेम प्राइस या उसके हायर प्राइस में मार्केट में नहीं बेच सकता. why? Because जो पुअर कस्टमर्स है, जो पुअर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, they will not be able to afford that price. So basically गवर्नमेंट क्या करता है, through fair price shops. फेयर प्राइस शॉप बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट शॉप्स होते हैं, जैसे आप रेशन की दुकान में जाओगे ना, पहले गवर्नमेंट रेशन की दुकान होता है जहां पर गवर्नमेंट ये जो एग्रीकल्चर गुड्स है, फूड ग्रेन्स हो गया, वीट, जवार, बाजरा, दाल, पल्सेस, ये सारे गुड्स गवर्नमेंट इस फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू बेचता है, सेल करता है एट द वेरी लो प्राइस टू पुअर कंज्यूमर. दैट इज व्हाई यू हैव रेशन कार्ड. बेसिकली रेशन कार्ड क्या करता है, सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रेशन कार्ड्स इन इंडिया, जनरली ऑरेंज, व्हाइट एंड ब्लू कलर. सो एक बेसिकली दैट कलर डिटरमाइंस विच क्लास यू बिलोंग टू, आपका इनकम के ऊपर वो कार्ड दिया जाता है. अगर आप एक सर्टन पुअर क्लास को बिलोंग करते हो तो आपके लिए इतना रिजर्व फूड ग्रेन्स, इतना रिजर्व पल्सेस, इतना रिजर्व केरोसिन दिया जाता है एट लोअर प्राइस, सो दैट उनको बेनिफिट हो सके. क्लियर. सो दीज आर द टू प्राइस जो थ्रू प्राइसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डिटरमाइन, द प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड इश्यू प्राइस. नाउ वॉट इज द नीड टू डू दिस, फर्स्ट टू प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स, टू बेटर प्रोवाइड बेटर इनकम फॉर फार्मर्स, राइट. सो दैट इज रेम्यूनरेटिव प्राइस. अभी हमने देखा नॉन रेम्यूनरेटिव मिल रहा था, सो यहां पर गवर्नमेंट ट्राई करेगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना बेटर कॉस्ट प्राइस दे सके फार्मर्स को. To provide incentives to farmers, incentive कैसे देंगे, जैसे taxation subsidy होता है, जैसे farmer income, agriculture income is exempted from income tax, right? So आपको जो agriculture के through income आएगा उस पर tax नहीं लगेगा. So providing various incentive ताकि जो farmers है वो जो farming का, agriculture का जो तरीका है उनका, जो method है वो उसको improve कर सके. ठीक है. Then you have to promote capital formation. How does a capital formation happens in agriculture? When the farmer, अगर suppose say उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, they are getting better income. So what will they do? They with that better income, they will also try and buy machines, modern equipments, technology में invest करेंगे ताकि उनका productivity और increase हो. तो ये जो machines वगैरह, modern equipment buy करेंगे उससे capital formation होगा. To have better terms of trade, मतलब क्या? So to have a term, better terms of trade between the agriculture and the non-agriculture sector. Now basically अगर sugar industry है तो वो क्या हो गया, non-agriculture sector. What does it do? वो sugar cane लेता है agricultural farmer से, मतलब क्या हो गया, agriculture sector से sugar cane लिया, यहाँ पर आके process करके उसको sugar में convert करता है, right? Now there has to be a better terms of trade. अगर non-agriculture sector, ये sugar cane industry proper price नहीं देगा sugar farmers को, तो वो sugar farmers उनको sugar cane नहीं दे पाएगा या फिर उनको loss होगा. So they have to have a better terms of trade between the agriculture and non-agriculture sector. To reduce income inequality, definitely we know there's a huge income inequality between the industrial people working in the industrial sector or the secondary sector or the tertiary sector and the agriculture sector. These agriculture farmers do not earn high income, whereas people working in the service sector or the secondary sector or the tertiary sector are earning more income. So better income, agar government better income provide karta hai agriculture farmers, so that gender income inequality will be reduced. And to prevent inbuilt fluctuation, जो seasonal fluctuation होता है, जो हमने अभी देखा था, basically वो seasonal fluctuation को निकालना, lower price अगर मिल रहा है, middleman है, उन सबको निकालना, basically इससे क्या होगा, वो fluctuation नहीं रहेगा, uncertainty नहीं रहेगा, the farmers will know कि हाँ इतना produce होने वाला है और इतना हम बेचने वाले हैं at certain price. ठीक है. So these are some of the needs of
agriculture pricing policy. It is very important for the government, guys. It is very important for government to come up with a very good agriculture pricing policy, जिससे farmers का benefit हो सके, farmers का income grow हो सके. At the same time, जो प्राइस पे हम गवर्नमेंट बेच रहा है मार्केट में वो प्राइस भी लोअर रखे, ताकि जो पुअर क्लास या जो मिडिल लोअर मिडिल क्लास है उनको वो लो प्राइस में गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स मिल सके. ठीक है, सो आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, समझ गया नीड फॉर एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी. लेट अस गो नाउ अहेड एंड अंडरस्टैंड द प्राइसिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन. इन द मीनवाइल यू ऑल कैन नोट डाउन दिस पॉइंट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. सो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लॉन्च किया है, क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया है. सो उसके तीन स्टेजेस हैं. वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस, वी हैव अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइसेस. ठीक है, सो ये तीन स्टेज है, विल क्विकली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम. सो डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस क्या होता है. सो इस स्टेज में गवर्नमेंट डिटरमाइंस कि क्या रेंज होना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए प्राइसेस का. जैसे अगर राइस है तो राइस का प्राइस लेवल अलग होगा, वीट है तो वीट का प्राइस लेवल अलग होगा, वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स का प्राइस लेवल अलग होगा. सो एवरी फॉर एवरी कमोडिटी द प्राइस, द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस इज डिटरमाइंड. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है. देयर हैज टू बी समथिंग, राइट. सो इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, देयर आर मेनी फैक्टर्स. बेसिकली इफ आई से जनरली क्या डिमांड है या फिर सप्लाई क्या है, यू कैन ऑल्सो से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. कि एक प्रोडक्ट को, एक एग्रीकल्चर कमोडिटी को ग्रो करने के लिए उस फार्मर ने, एक फार्मर्स जनरली कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए क्या कॉस्ट इनकर करते हैं. द कॉस्ट कैन बी एनीथिंग, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, केमिकल्स फर्टिलाइजर के लिए. देन यू हैव लैंड जो है वो लीज पे है तो उसका रेंट पे करने के लिए, लीज पे करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं. वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना. देन यू ऑल्सो हैव चेंज इन इनपुट प्राइस. दिस इज अगेन चेंज इन इनपुट प्राइस. नाउ चेंज इन इनपुट प्राइस मतलब क्या, जो फार्मर इनकर कर रहा है कॉस्ट, वो प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है, चेंज हो सकता है. सो चेंज इन इनपुट प्राइस, वो चेंजेस को भी फैक्टर में लाना, उसको भी डिटरमाइन करना. देन यू ऑल्सो हैव मार्केट प्राइसेस, कि मार्केट में बेसिकली वो प्रोडक्ट के लिए कितना लोग प्रे करने के लिए रेडी है. नाउ आप फार्मर्स का बेनिफिट करने के लिए गवर्नमेंट बोलेगा ज्यादा से ज्यादा पे करोगा फार्मर्स को, बट एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी अ डिमांड इन द मार्केट. वो प्राइस पे करने, कस्टमर शुड हैव द परचेसिंग पावर टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, राइट. सो मार्केट प्राइस क्या है, देन यू ऑल्सो हैव डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई क्या है प्रोडक्ट का, सो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, डिमांड है कि नहीं प्रोडक्ट का. देन वी ऑल्सो हैव सप्लाई, कितना सप्लाई है मार्केट में. अभी हमने देखा गुड हार्वेस्टिंग, ज्यादा क्रॉप्स आ रहा है तो प्राइस कम होगा, कम क्रॉप आ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा. सो वील हैव टू फैक्टर इन ऑल दिस फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर्स है. देन यू ऑल्सो हैव इंडस्ट्री रिस्क, रिस्क वगैरह क्या है, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल हो गया, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया. वो कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइक यू नो जनरली कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब ऑफ फार्मर बेसिकली. सो वो फार्मर्स को सब कुछ फैक्टर इन करना पड़ेगा. वो फार्मर का इनपुट कॉस्ट, इनपुट प्राइस चेंज क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, बेसिकली ये सबको फैक्टर इन करके द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस वुड बी डिटरमाइंड. क्लियर. सो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन का, फर्स्ट स्टेज क्या है प्राइस पॉलिसी का, डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइसिंग. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस. नाउ बेसिकली अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस में गवर्नमेंट कम्स अप विद थ्री प्राइसेस. The government comes up with the first one is MSP, minimum selling price. Minimum selling price. ठीक है, minimum selling price. The second one is procurement price. Procurement price. And the last one is statutory minimum support price. ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गाइस, SUPPORT, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सो स्टैट्यूटरी
एमएसपी, ठीक है। सो थ्री प्राइजेस दैट द गवर्नमेंट अनाउंसेस, फर्स्ट वन इज एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेकंड इज प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड थर्ड वन इज स्टैट्यूटरी प्राइस। नाउ व्हाट इज मिनिमम स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस? नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज बेसिकली गवर्नमेंट हर एक कमोडिटी के लिए एक प्राइस सेट करता है, एक लेवल सेट करता है कि ये क्वालिटी का ये प्रोडक्ट वुड बी, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी ये। मतलब अगर सपोज से मैं बोल रहा हूं वीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज 40 रुपीज, तो इससे नीचे वो नहीं जाना चाहिए। एनी फार्मर हु इज ग्रोइंग वीट विल गेट 40 रुपीज मिनिमम। फिर उसके ऊपर क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कैसे क्वालिटी है उसके ऊपर आपको और प्राइस मिलेगा। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दिस इज डन टू गिव दैट यू नो स्टेबिलिटी टू द फार्मर्स की भाई आपको इतना इनकम तो जनरेट होने ही वाला है। नाउ बेसिकली एमएसपी कैलकुलेट कर, एमएसपी इज बेसिकली अनाउंस एवरी ईयर गाइस, ऐसे नहीं कि एक बार अनाउंस किया और पिछले अगले 5 साल तक चेंज नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन ऑल दिस फैक्टर्स जो डेली बेस पे या फिर हर महीने या फिर हर ईयर चेंज हो सकते हैं, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। सो एमएसपी ऑल्सो हैज टू बी चेंज ईयरली, सो एवरी ईयर गवर्नमेंट कम्स विद द एमएसपी ऑफ ईच एंड एवरी कमोडिटी, ठीक है। नाउ एमएसपी में बेसिकली व्हाट इज एमएसपी? नाउ एमएसपी अगर हमने देखा बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो दैट मीन्स इट इज व्हाट कॉस्ट, जो कॉस्ट गवर्नमेंट को लगेगा वो पे करने के लिए फार्मर्स को, ठीक है। नाउ कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एमएसपी इज नथिंग बट व्हाट द कॉस्ट, ठीक है। एंड कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज C2 + C3, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एमएसपी बेसिकली, C2 + C3, वेर इन, अब C2 + C3 वेर इन, C2 मेरा क्या है? C2 इज बेसिकली जितना भी फार्मर ने वो कॉस्ट इनकर किया है, जितना भी वो फार्मर ने कॉस्ट इनकर किया है दैट इज ब्रिंग अंडर कंडीशनिंग, ठीक है। यहां पर फैक्टरिंग किया जाता है कि एक फार्मर को वो क्रॉप ग्रो करने के लिए कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ा। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लेबर कॉस्ट, इट कैन बी यू नो लीजिंग कॉस्ट, रेंट लैंड पे लिया, लैंड रेंट पे लिया है वो, लैंड रेंट पे लिया, या फिर हमने सीड्स बाय करने के लिए फार्मर ने लोन लिया, तो फार्मर को लोन पे करने के लिए अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करो, ठीक है। सो एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन, दैट इज माय C2। नाउ व्हाट इज C3 देन? C3 इज 10% ऑफ C2, 10% ऑफ C2। तो सपोज से मेरा C2 इज 100 + 10%, दैट इज 110 आ गया मेरा, तो माय एमएसपी बिकम्स 110। हाउ? व्हाई 10%? बिकॉज एक्स्ट्रा 10% इज टू बेसिकली रेम्यूनरेट द मैन, सो बेसिकली रेम्यूनरेटिंग द फार्मर्स की फार्मर्स ने इतना काम किया, फार्मर्स का जो कॉस्ट आया है उसके ऊपर उसे हम लोग और 10% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ताकि उसको इनकम इनकम मिल सके, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली दिस इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट जो इनकर होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू C2 + C3, C2 इज द, और C2 इज बेसिकली ऑल द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय द फार्मर्स, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इरिगेशन फैसिलिटी कॉस्ट, वॉट एवर कॉस्ट दैट इज इनकर्ड प्लस 10% ऑफ C2 दैट इज माई C3 विल गिव यू एमएसपी। आर वी क्लियर? एमएसपी क्या होता है, ठीक है। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नाउ बेसिकली देर इज वन मोर कॉल्ड, देर समथिंग कॉल्ड एज स्वामीनाथन फॉर्मूला, इट वॉज गिवन बाय एमएस स्वामीनाथन कमिटी। बेसिकली उन्होंने क्या बोला, द C3 शुड बी एटलीस्ट 50%, C3 शुड बी एटलीस्ट 50%। मतलब अगर मेरा C2 इज 100 + 50%, दैट इज 150 रुपीज शुड बी द फार्मर्स इनकम। ये बेसिकली फार्मर्स को और इक्वालिटी, इनकम इनक्वालिटी जो है उसको ग्रो करने, उसको कम करने के लिए, फार्मर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए इट वॉज सजेस्टेड। बहुत सारे स्टेट्स में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ था, बहुत सारे फार्मर्स ने बोला था कि ये फार्मूला अप्लाई होना चाहिए, अब 10% इज वेरी लेस, सो दैट इज द रीजन। सो दिस इज स्वामीनाथन फार्मूला। द नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी मिनिमम सेलिंग प्राइस सपोर्ट प्राइस। बेसिकली मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस क्या होता है, स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट ने जूट और शुगर केन के लिए स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है। नाउ बेसिकली वॉट स्टैट्यूटरी मीन्स, इट्स कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी कि आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला यूज करके गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी बोला कि 50 रुपीज और ऐसे 1000 रुपीज पर टन शुगर केन, इसके नीचे एनी शुगर केन इंडस्ट्री, जो भी शुगर इंडस्ट्री है जो बाई कर रहा है शुगर केन,
वो 1000 रुपीज के नीचे नहीं देगा, दैट इज कंपल्सरी मैंडेटरी, वो इससे नीचे नहीं दे सकता। सेम इज द केस विथ जूट। सो दो कमोडिटी है यहां पर, एक शुगर केन है और एक जूट है, जहां पर स्टैट्यूटरी मिनिमम सेलिंग सपोर्ट प्राइस दिया गया है। क्लियर? मिनिमम सपोर्ट, स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट्स बेसिकली लीगली कंपल्सरी बाउंडेड बाय द इंडस्ट्री टू पे दैट मच टू द फार्मर। ठीक है, देन यू हैव प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट procure the grains from the producers. Now, this is basically different from minimum support price. Minimum support price किसको मिल रहा है? Farmer को मिल रहा है। यहाँ पर procurement जरूरी नहीं है कि government directly farmer से buy करे, government distributor से भी buy कर सकता है, right? Plus, मेरा minimum support price अगर suppose से 40 rupees आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको 40 rupees ही मिले, आपको 45 भी मिल सकता है procurement में। Why? Because आपका product का quality अच्छा है तो government आपको और ज्यादा देगा। या फिर ये 40 rupees फार्मर को मिला, फार्मर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने इसका प्राइस 45 rupees गवर्नमेंट को पे किया, गवर्नमेंट को 45 rupees में बेचा, तो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या हो गया? 45 rupees। सो प्रोक्योरमेंट प्राइस इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट बाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर और द डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, सो दैट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस। एंड इश्यू प्राइस, मतलब इसमें और एक आ जाएगा यहां पर बेसिकली इश्यू प्राइस, ये हमने अभी देखा था इश्यू प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस। What is issue price? The price at which government sells the products in the market through the fair shops, through their fair price shops, जैसे रेशन की दुकान, रेशन कार्ड वगैरह, जो मैंने अभी example दिया था, same issue price, ठीक है? So these are some of the prices announcement of, ये generally जब prices determine हो गए, तो announcement के time पे ये सारे prices issue announce होते हैं, MSP, procurement price, statutory MSP and issue price. Are we clear? Next is, guys, implementation of prices. Basically, once the government announces it, government ka kaam sirf launch karna nahi hai policy, usko properly implement bhi karna hota hai. So, implementation of prices, guys, just give me a moment. So, guys, on your screen now, you'll see some of the points, what government does to implement all these prices. ठीक है, so, बहुत सारे prices, बहुत सारे implementations है. First is interesting, the task to different agencies. Now, ये MSP आया, ये statutory MSP आया, issue price आया, procurement price आया, ये सबको implement भी तो करना पड़ेगा. So, different agencies government ने बनाए हैं, जो agencies का अलग अलग काम है और they do their task. ठीक है, जैसे we have National Agriculture Cooperative Marketing Federation, we have Cotton and Jute Corporation, for tobacco there is Tobacco Board. So, every department, every agency has been given the respective task. ठीक है, then you have establishment of National Crop Forecasting Center, guys. It was established by government in 1999 to keep a careful watch on the prices of primary products. So, jo agriculture product, primary products matlab kya? Agriculture products. So, ye agency jo hai, National Crop Forecasting Center, they basically keep a track ki sare prices follow ho rahe ki nahi, MSP mil raha hai ki, minimum support price hai ki nahi hai, farmers ko wo benefit mil raha hai ki nahi. So, they keep a close track. Then you have setting up of high powered price monitoring board. This again was set up in 1999 to monitor the essential commodity price and anticipating the need for government intervention in the market. Kabhi kabhi aisa ho jata hai ki market mein wo product nahi hai ya bahut zyada hai. Ab jaise maine bola good harvesting hai, good harvesting season mein price supply bahut zyada hoga to price kam hoga, aise time pe farmers ko nuksan ho sakta hai. So government, to it is a duty of high powered price monitoring board jo ye dekhega ki ha market mein situation kaisa hai, and then they will ask the government to intervene in the market. Theek hai, then you also have buffer stocks. Buffer stocks are basically stocks built up by government to stabilize the price. Food Corporation of India and National Agriculture Cooperative Marketing Federation built up the buffer stocks of essential grains. What is buffer stock? Government kuch essential commodities khud apne paas buffer stock mein rakhta hai, taki jab market mein supply nahi hai, market mein jab wo product ka supply nahi ho raha hai, ya fir black marketing ho raha hai, black hoarding ho raha hai, hoarding of goods ho raha hai, उस टाइम पे गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट मार्केट में डालेगा ताकि प्राइस अपने आप कम हो जाए उसका. ठीक है, सो ब्लैक मार्केटिंग के टाइम भी क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करता है. ठीक है, एंड देन यू आल्सो हैव वेयरहाउसिंग. गवर्नमेंट हैज मेड अरेंजमेंट टू सेटअप वेयरहाउस जहां पर ये सारे गुड्स प्रोडक्ट्स स्टोर होंगे. ठीक है, सो एंड देन यू आल्सो हैव रेगुलेटेड मार्केट्स. देयर आर एजेंसीज व्हिच रेगुलेट दिस मार्केट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी जहां पर गवर्नमेंट फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द
implementation of the prices. So three steps in price policy. First is determination of appropriate level of prices. Second is announcement of administered prices. And the third one was implementation of administered prices. So let us now go on to the next topic, guys. Evaluation of agriculture price policy. Okay? So abhi humne implementation dekha. Ab hum evaluate karenge whether this implementation was done effectively, whether MSP or the prices has done any good to our farm country's farmer. Okay? So let's start with that. So while evaluating the agriculture pricing policy, we're going to go with some points. The first one is difficulty in deciding fair price. Now we were discussing about MSP, we were discussing about statutory MSP, the procurement price and the issue price. These prices ko determine karna is not easy. Humne wo factors dekhe the, kaise determine karna hai. We come up with the cost incurred of the farmers, we see the change in input prices, we see the their living condition. Hum bahut sare factors dekhte hain aur ye sare factors ko condition karna, ye sare factors ko factor in karke ek price determine karna is not a very easy thing, and that is the reason आज भी इंडिया में फेयर प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज स्टिल नॉट बीइंग गिवन टू लॉट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. आज भी बहुत सारे कम ऐसे कमोडिटीज जो एमएसपी में इंक्लूड हुए हैं. देन यू हैव नो इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट क्राइटेरिया. जो जितने भी क्राइटेरियाज हमने देखे अभी, ये सारे जो पेमेंट कंडीशंस वगैरह देखे, प्राइजेस एमएसपी वगैरह देखा, उसका फैक्टर इनका फैक्टर्स देखे, इनके बीच में इंटीग्रेशन नहीं है. सो हाउ डू वी नो दैट यू नो एमएसपी. सो इफ आई टेल यू बेसिकली, अगर कस्टमर प्राइस, सॉरी कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक फार्मर का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, दूसरे एक फार्मर का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन कि दोनों का सेम होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग. प्लस इनपुट प्राइस, जो वो प्राइस इनकर कर रहे हैं, दैट ऑल्सो माइट नॉट बी सेम. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेस और एसेस और deciding the fair prices, plus there is no integration between all these criterias. Then we also have, guys, benefits to large farmers. ये सारे जो benefits हमने देखे, MSP का MSP मिलता है, procurement price मिलता है. Now you need to understand, first India में हमने first अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इंडिया में जो फार्मर्स है दे आर इलिटरेट. जो पुअर फार्मर्स है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, दे आर नॉट वेरी लिटरेट. दे आर नॉट अवेयर अबाउट द स्कीम्स एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कितना होता है, एंड ऑल द स्टफ. एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक्चुअल जो लार्ज फार्मर्स है, जो लैंडलॉर्ड्स है, उनको खाली वो फायदा हो रहा है, जो जिसको एक्चुअल में वो फायदा होना चाहिए, जो स्मॉल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स है, उन्हें वो फायदा नहीं मिल पा रहा है. माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट्स. नाउ जितना आप फूड सब्सिडीज दोगे, जितना आप प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाओगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाओगे, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्रोक्योरमेंट प्राइस फार्मर को ज्यादा पे कर रहा है, एंड इश्यू प्राइस इसमें क्या हो रहा है कि जो प्राइस पे वो मार्केट में बेच रहा है वो कम है. प्रोक्योरमेंट प्राइस ज्यादा है, इश्यू प्राइस कम है. इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट पे वो बर्डन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट, कंट्री का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, सरप्लस नहीं है, डेफिसिट बढ़ रहा है. कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, इसके वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है. देन यू हैव इम्पैक्ट ऑन रूरल पुअर. नाउ वी जनरली सी से दैट यू नो रिच फार्मर्स एंड जो बड़े बड़े फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स है, उनको बेनिफिट हो रहा है. अगर वो उनको बेनिफिट हो रहा है तो उनके लैंड पे जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए. सिंपल है, हाई एमएसपी, हाई प्रोक्योरमेंट प्राइस. अगर हाई प्रोक्योरमेंट प्राइस मतलब हायर इनकम टू द फार्मर्स, मतलब हायर इनकम टू एग्रीकल्चर लेबर्स भी होना चाहिए. जो वो लैंड पे काम करे उनको भी तो, उनका भी सैलरी बढ़ना चाहिए, उनका वेजेस बढ़ना चाहिए, बट वो हो नहीं पाता. जो फार्मर्स है बेसिकली उन लोग की वो पूरा इनकम ले लेते हैं और इट्स लाइक मार्जिनल अमाउंट इज पेड टू द एग्रीकल्चर लेबर्स. ठीक है, सो दैट इज इम्पैक्ट ऑन रूरल पुअर. बायस टू इन फेवर ऑफ लो कॉस्ट स्टेट्स. जो स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बेसिकली ये जो एमएसपी था, बेसिकली इट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री एज द होल ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बट जनरली जो स्टेट्स जहां पर लोअर रीजन है, जो रीजन डेवलप नहीं है, वहां पर वो फार्मर्स को वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है. नॉट ऑल कमोडिटीज आर कवर्ड. बेसिकली ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज है, अभी भी वीट है, राइस है, जो एमएसपी में कवर्ड है, जिसमें जो वीट जो ग्रो कर रहे हैं फार्मर्स, उनको एमएसपी मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है. बट ऐसे बहुत सारे असेंशियल कमोडिटीज है, वो आज तक दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एमएसपी. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इवेल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी. वॉट वी नीड इज अ बेटर एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी
which has to be implemented in a better way. Okay, so these are some of the evaluation, guys. I hope it is clear. So with this, we have completed the topic agriculture pricing. In the next topic, we're going to start. The next topic is agricultural finance, wherein we'll see a lot of financial institution जो government ने setup किया है, जिसके अंदर farmers को finance credit provide किया जाता है. Till then, I hope it is agriculture pricing is very much clear. ठीक है, we'll see you in the next session, guys. Enjoy the learning. Have a nice day.